Sonido. Hey guys, what's up? Welcome back to the another vlog. और अभी हो रहे हैं शाम के 5:30। मैंने सोचा कि रोज़ ब्लॉग करता हूँ और पहला साल का पहला ब्लॉग नहीं डालूंगा तो फिर कैसा लगेगा, इसके लिए डालने की जगह ग्राउंड में आ गया। इधर बच्चे लोग पतंग उड़ाते हुए। और हाँ, एक बात और, मैं अपने चैनल का नाम चेंज कर रहा हूँ। वो तो मैंने इसी खोला परमानेंटली डाल दिया था, बी डायनामिक, लेकिन अभी कुछ सोचा है, या फिर इट्स सुबेश ब्लॉग या फिर सुबेश ब्लॉग, ऐसा दोनों इसको एक आप कमेंट करके बताओ, सुबेश ब्लॉग या इट्स सुबेश ब्लॉग, क्या रखूँ मैं, प्लीज़ कमेंट करो। गाइस, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करो फटाफट और करते अपने टॉपिक की बात अभी। सो गाइस, मैं अभी ग्राउंड में आ गया है तो देखने के लिए पतंग, अभी उड़ाने में तो मज़ा नहीं आता, इतना बचपन में उड़ाते थे ऐसे एक दूसरे का छीनते थे, अभी भी छीन रहे हैं बच्चे लोग, मेरा दे मेरा दे। अब मज़ा नहीं आता गाइस उतना पतंग उड़ाने में जितना पहले आता था, काटते थे दौड़ने के लिए भागते थे। और छोड़ो, अभी टॉपिक की बात करते हैं। सो गाइस, आज का टॉपिक वही है जो आपने देखा टाइटल में, मेरे को कोई व्यूज नहीं का माने कि दानिश भाई का नाम लेके इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आजकल ना ऐसा हो गया कि दानिश भाई का नाम ना कचड़ा हो गया, कचड़े में मिला दिए इन लोग, ये जो टिकटॉकर हो गए। और टिकटॉकर ऐसे है कि अब धीरे धीरे यूट्यूब खोलने लगे, और यूट्यूब पर क्या डालते हैं उन लोग, जहाँ खाली यूट्यूब खोलो और लिखो दानिश, आई कलर्ड माई हेयर लाइक दानिश, आई डू लाइक दानिश, आज मैं इधर गया हूँ, मैं उधर गया हूँ, आज मैं ये खाना खाया दानिश जैसा, वो खाया ये वो। दानिश भाई का नाम मतलब मिट्टी में पूरा मिला के रखे इन लोग। ऐसा नहीं है कि मेरे प्रति दानिश भाई के लिए प्यार नहीं है, प्यार दिल में होना चाहिए, दिखाने से नहीं होता है कि मैं ऐसा कलर करूँगा तो दानिश भाई जैसा बन जाऊँगा ये वो, ये सब खाली व्यूज़ कमाने का धंधा है। खुद का कुछ बनाए, कंटेंट डालो ना, एंगल चेंज, ब्लॉगर लाइफ। तो मैं क्या बोला था, दानिश भाई का नाम पूरा एकदम मतलब क्या बोलेंगे, मिला के रख दिया है मिट्टी में, जहाँ भी आज सुनो एक्सपोज ही होते दानिश भाई का नाम, एक्सपोज पूरा कर रख दिए है। अभी दानिश भाई पीछे कितने गाली सुनते हैं, मैं देखाऊँ ना, मैं सुना हूँ उन लोग क्या क्या बोलते हैं, अरे किसके जैसा कलर कर रहे, अरे दानिश भाई जैसा करवाया, दानिश भाई कौन दानिश है, लोग पीछे से लेते रहते दानिश भाई की। इसके लिए बोलता हूँ गाइस, जो व्यूज़ कमाते हैं दानिश भाई का नाम लिख के, प्लीज़ करना छोड़ दो, कुछ करना है तो अपना कंटेंट डालो, उसके जैसा करके दिखाओ। वो तो लेजेंड था, पूरा लेजेंड था, वो तो कुछ अलग ही था। और आजकल के ट्रेंडिंग पेज पे भी वही दिखता है, आई कलर माय हेयर लाइक दानिश, मिलियन भी दबा के जाते हैं, 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन व्यूज जाते हैं। जो अभी टिकटॉकर खाली बस बोलेंगे हे बूम गाइस, ऐसा सब बोलने तो आता नहीं है, कुछ चल देते हैं। ये एक बात बोलो, जो टिकटॉकर्स होते हैं ना, जब यूट्यूब पे आते हैं ना, बोलने तो उनको कुछ आता नहीं है, खाली वही टिकटॉक पे 10-15 सेकंड कर लिए तो हो गया, सोचते अपने आप को बड़े बड़े, ये तीर मार लिया ऐसा सोचते अपने आप को। आजकल तो टिकटॉकर भी यूट्यूब चैनल खोलने लगे, बोलने तो कुछ आता नहीं है, खाली यही जब कुछ दिख जाए दानिश के साथ कदर करवाना या दानिश का कोई भी एक जाएंगे इन टाइटल कॉपी करेंगे वही जाके कर देंगे, बस यही आता है उन लोग को और कुछ नहीं। सो गाइस, आया था अभी शिवम क्या नहीं है तो यार मैं यही बोल रहा था कि अभी जो अभी सोच रहे करने का अभी दानिश के नाम लेकर, प्लीज़ मत करो, क्योंकि वो दानिश भाई का नाम भी अभी यहाँ पे आया है, पूरा मिट्टी मत मिला दो, मिट्टी मत मिला दो, यहाँ पे बरकरार तो अब यहाँ पे रहने दो कम से कम, यहाँ से तो यहाँ आ ही चुका है, इतना एक्सपोज कर दिए इन लोग दानिश भाई को, इतना एक्सपोज करके रख दिए हर जगह, दानिश 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 दानिश, कोई भी नया टिकटॉक खोल रहा है, स्टार बोल रहा हूँ, टिकटॉक जो नया नया खोल रहा है दानिश, किसे इंस्पायर हुआ है, दानिश 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 भाई इंस्पायर हुआ है, चल ठीक है, लेकिन बाद में तेरे को ये क्या करने की ज़रूरत है, हर जगह दानिश का नाम लगा के, आई कलर्ड माई हेयर लाइक दानिश, आई एम गोइंग टू दैट प्लेस वेयर दानिश हैज़ गॉन, ये सब लिख लिख। गाइस, मैं मांगता हूँ इन लोग जो भी दानिश भाई से इंस्पायर है, भाई इंस्पायर है तो दिल में रहना चाहिए कि मैं इंस्पायर हूँ, उनसे खोला हो चैनल या फिर कुछ भी, लेकिन हर बार उनका टाइटल में थंबनेल में दानिश भाई डालना ज़रूरी है क्या, और बाहर भी देखो दानिश भाई सब लोग इसके लिए फिल्म में, आजकल ना जो बाहर वाला रियलिटी में बताऊँ ना, दानिश भाई का नाम यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुनने लगा, जो पहले जो थी ना दानिश भाई के खिलाफ जो इज्जत, वो अब रह नहीं गई है सबके दिल में। तो सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो जो ये कर रहे हैं, प्लीज़ करना बंद करो, करना है तो कुछ अपना खुद का कंटेंट डालो,
खुद का अच्छा दिखाओ, खुद ऐसा बन के दिखाओ, खुद ऐसा दानिश भाई दानिश में करते। दानिश भाई को कोई जानता नहीं था, मैं बोल रहा हूँ ना, जब मरे ना दानिश भाई तब से जाने लगे और बोलते फैन है उनके, इंस्पायर है उनसे, घंटा कुछ इंस्पायर है, खाली फैन का मारे। एक साल भी अभी एक साल हुआ था दानिश भाई को मरे हुए 20 दिसंबर को, तब तक इन लोग 1 लाख 2 लाख 3 लाख तो सब्सक्राइबर पारी हो चुके। जानते उनते थे नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना सीधा सीधा, जानते थे नहीं, खाली जब दानिश भाई मरे तब से जाने लगे। और कुछ नहीं है फैम्स कमाने का, फैन फैम्स बोलते कैम बोलते कैमरा कैम, सारे लोग कुछ बोलने तो आता नहीं लगता, स्क्रिप्ट लिखते उसके बाद ये करते शूट करते, कैम मेरा कैम कहाँ है मेरा, फैम फैम्स मेरे, बोलने तो आता नहीं है ये लोग। तो बाकी लोग जो सोच रहे हैं ना दानिश जैसा बनने के, बन तो नहीं पाएंगे दानिश जैसा, क्योंकि उसने इतनी छोटी उम्र में, दानिश भाई ने आज यहाँ पे पहुँचा था, यहाँ पे इतनी छोटी सी उम्र में यहाँ पे पहुँचा था, कोई कर नहीं पाएगा उसको। लेकिन उसका नाम ख़राब मत करो गाइस, इतना अच्छा नाम बना के गया वो अपना, तो नाम बिगाड़ के कोई मतलब नहीं है उसका, करना है तो कुछ अपना करो, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा बस, और ज़्यादा कुछ तो मैं बोल नहीं सकता दानिश भाई के बारे में, क्योंकि भाई तो लेजेंड है, उसके बारे में बोलना मैं कहाँ इतना छोटा सा क्रिएटर। सो गाइस इस ब्लॉग को मैं ही पे एंड करता हूँ, ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करना शेयर करो, और मैं नया नाम रख रहा हूँ अपने चैनल का, नया ईयर आ रहा है सोच रहा नया नाम रख ही दूँ, तो दो नाम बताया मैंने, इट्स सुबेश ब्लॉग या फिर सुबेश, इट्स सुबेश ब्लॉग या फिर सुबेश ब्लॉग, दोनों को भी एक नाम बताओ मेरे को कमेंट करके। सबको हैप्पी न्यू ईयर, चलो बाय, 2020 आपका अच्छा जाए जैसे 2019 का, उससे 10 गुना और अच्छा जाए मैं ये शुभकामनाएँ करता हूँ। तो मिलते हैं इसी कुछ अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। मैं ये नहीं बोल रहा, मेरा ये मकसद नहीं है कि आप लोग इंस्पायर नहीं, आप लोग फ़ैन नहीं हो, मानता हूँ आप लोग डाई हार्टेड फ़ैन हो उनके, लेकिन आजकल क्या हो गया ना, कुछ कुछ लोग हो गए जो खाली व्यूज़ कमा रहे हैं दानिश भाई के नाम लिख के, सब्सक्राइबर फैंस कमा रहे और कुछ नहीं कमा रहे, लाइक्स कमा रहे टिकटॉक पे और यूट्यूब पे, सब्सक्राइबर व्यूज़ ले रहे और कुछ नहीं, कुछ ये नहीं उन दानिश भाई के प्रति, उन लोग के खाली व्यूज़ कमा रहे हैं बस यही है, बाकी लोग तो जो जो है वो लोग तो दिल से मानते दानिश भाई को।